नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोपालगंज और मोकामा सीटों के लिए नामांकन आज से। सरकारी डॉक्टरों और नर्सों की लगाम कसी की सरकार। बिजली कंपनी की कमाई में हुई बम्पर वृद्धि। प्रलयकारी गंडक मचा रही तबाही। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद बोले संजू सैमसन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गोपालगंज और मोकामा सीटों के लिए नामांकन आज से। बिहार विधानसभा की दो रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को यानी आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी 14 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं 15 अक्टूबर को स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित की गई है। बता दें कि गोपालगंज सीट पर 2020 में भाजपा से उम्मीदवार रहे सुभाष सिंह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से निधन हो गया था। इसके साथ ही गोपालगंज की मोकामा सीट पर राजद उम्मीदवार अनंत सिंह थे, लेकिन अवैध तरीके से AK-47 रखने के आरोप में कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। इस वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद से ही दोनों सीटें रिक्त हो गई थी। सरकारी डॉक्टरों और नर्सों की लगाम कसेगी सरकार। बिहार के सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर और नर्सों की सेवाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए नियम बदले गए हैं। बदलाव का मकसद इनकी मनमर्जी पर लगाम कसना है। अब वार्षिक मूल्यांकन में स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को जिम्मेदारी की भावना, काम के प्रति उनका रवैया कैसा है, इस बारे में भी बताना होगा। इसके साथ ही भावनात्मक स्थिरता, संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता के साथ नेतृत्व क्षमता के बारे में भी संबंधित अफसरों और कर्मचारियों को जानकारी देनी होगी। बता दें कि वर्ष भर में किए गए उनके कार्यों के मूल्यांकन के बाद ही वर्ष में डॉक्टर, नर्स या डेंटल सेवा के पदाधिकारियों के कार्यों के आधार पर ही उनको प्रोन्नति और वेतन वृद्धि का निर्धारण हो सकेगा। विमान का किराया हुआ 3 गुना। दीपावली पर दिल्ली और हैदराबाद से पटना आने का विमान किराया 16,000 और मुंबई से 20,000 तक पहुंच गया है। यहां इस रूट के शुरुआती विमान किराया से लगभग 5 गुना अधिक है। दिल्ली और मुंबई के लिए यह 22 अक्टूबर को सर्वाधिक है, जबकि हैदराबाद के लिए 21 अक्टूबर को इसका सबसे अधिकतम कीमत दिखाई पड़ता है। छठ पर दिल्ली से पटना आने का सर्वाधिक विमान किराया 10,260 रुपये और मुंबई से पटना आने का सर्वाधिक किराया 11,933 रुपये तक पहुंच गया है, जो शुरुआती विमान किराया से 3 गुना और 2.5 गुना ज्यादा है। आदमखोर बाघ ने एक और को बनाया अपना शिकार। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रघिया रेंज के डुमरी में शुक्रवार की सुबह सरेह में शौच के लिए गए एक युवक पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया और सबको घसीटते जंगल की ओर ले जाने लगा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर सब छोड़कर भागा। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर पहुंची वन विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की और सब ले जाने से रोक दिया। बता दें कि एक दिन पहले ही बाघ ने 12 वर्षीय बच्ची को घर से उठाकर मार डाला था, जिसके बाद 2 दिन लगातार दूसरी घटना है। बिजली कंपनी की कमाई में हुई बम्पर वृद्धि। बिहार में बिजली कंपनी की कमाई बम्पर तरीके से बढ़ रही है। इसके पीछे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के राजस्व में 1,761 करोड़ रुपए के साथ 38% का इजाफा दर्ज किया गया है। बिजली कंपनी का आकलन है कि कोरोना काल के बाद विगत 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में 36% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं विगत 10 वर्षों की प्रथम छमाही में लगातार 12.5% की वार्षिक वृद्धि हुई है। बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने आंकड़ा देते हुए कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 2,844 करोड़ रुपए तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 3,393 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी 14 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें मोकामा सीट पर टिकी हुई है। बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर अनंत सिंह को ही माना जा रहा है। 6 नवम्बर को नतीजे सामने आने वाले हैं। मोकामा में कुल वोटर्स की तादाद 28,01,000 से ज्यादा है। इनमें 14,07,000 पुरुष वोटर हैं और 13,02,000 महिला वोटर्स शामिल हैं। RJD के विधायक रहे अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद मोकामा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। उनकी पत्नी नीलम देवी इस सीट से RJD की कैंडिडेट होंगी।
वेतन के 23 लाख लौटाने वाले प्रोफेसर के साथ हुआ खेला। 2 साल 9 माह के वेतन के 23 लाख रुपए लौटाने का प्रस्ताव कर बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी के नीतीश्वर कॉलेज में पदस्थापित प्रोफेसर ललन कुमार सुर्खियों में आ गए थे। इस विवाद के शांत होने के बाद अब उन्होंने सत्याग्रह करने की बात शुरू कर दी है। इसी बीच उनका तबादला कर दिया गया। बता दें कि प्रोफेसर ललन कुमार ने 13 सितम्बर को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ईमेल किया था। उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता लाने के लिए 15 सूत्रीय मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था। इसके लिए उन्होंने 28 दिन पहले पत्र दिया ताकि मांगों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि छुट्टी लेना मेरा अधिकार है। प्रलयंकारी गंडक मचा रही तबाही। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज यानी शुक्रवार की सुबह लगभग 4,40,750 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, जिससे जिले के निचले इलाके सहित झंडू टोला स्थित एसएसबी कैंप में भी पानी घुस गया है, जिससे एसएसबी जवानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज नियंत्रण कक्ष की ओर से गंडक नदी में गुरुवार की रात 3,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लिहाजा एहतियातन गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल में हो रही भारी बारिश को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि जलस्तर में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। जयप्रकाश नारायण के गांव को योजनाओं की सौगात। जेपी की पुण्यतिथि और जयंती को लेकर बिहार में सियासी रेस अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शुक्रवार को लोकनायक के गांव में योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दोपहर 12:30 बजे पटना में मुख्यमंत्री आवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी आरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय से मुख्य सड़क तक नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया। इसके साथ ही यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित करने की भी घोषणा सीएम ने की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी, विधायक सीएन गुप्ता वगैरह उपस्थित रहे। बता दें कि जेपी की जयंती के दिन पटना में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बिहार से एक हफ्ते में विदा होगा मॉनसून। बिहार में अब मॉनसून विदा होने वाला है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार से मॉनसून की अगले एक हफ्ते में विदाई संभावित है। मौसमविद यह अनुमान कर रहे हैं कि 12 से 13 अक्टूबर के बाद सुबह और शाम ग्रामीण इलाकों में सिहरन महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य के अधिकतर भाग में आंशिक बादलों का आना जाना लगा रहेगा। चंपारण के इलाके में 1-2 जगहों पर भारी बारिश संभावित है। शेष भाग में मौसम धीरे धीरे साफ होगा। अगले एक हफ्ते में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बनने के आसार है। 12 से 13 अक्टूबर के बाद सुबह और शाम ग्रामीण इलाकों में सिहरन महसूस होने लगेगी और ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। श्रवण कुमार का विधानसभा में बढ़ा पद। नालंदा से विधायक श्रवण कुमार को बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जारी सूची को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मनोनयन कर दिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना शुक्रवार को यानी कि आज जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार श्रवण कुमार को मुख्य सचेतक, अख्तरुल इस्लाम साहिन को उप मुख्य सचेतक और रत्नेश सदा, राजेश कुमार राम, नरेंद्र कुमार नीरज, राजीव कुमार कुमार सिंह, राजवंशी महतो, अजय कुमार, रामरतन सिंह और मोहम्मद रफी को सचेतक बनाया गया है। मुख्य सचेतक श्रवण कुमार को मंत्री पद की सुविधा मिलेगी। वहीं अख्तरुल इस्लाम साहिल को उप मुख्य सचेतक के नाते राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। जेडीयू एमपी कविता सिंह बनी मोदी कैबिनेट की सदस्य। बिहार के सिवान की सांसद कविता सिंह को भारत सरकार ने खाद्य उपभोक्ता मामलों तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का सदस्य बनाया गया है। सांसद कविता सिंह ने बताया है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तहत 2 विभागों में से एक है। सांसद ने बताया कि देश में बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से जून 1997 से इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था। इसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मुझे इसका सदस्य बनाया गया है। बता दें कि सांसद कविता सिंह के पति जेडीयू नेता अजय कुमार सिंह है। छठ पूजा को लेकर एक्शन में दिखे तेजस्वी यादव। छठ पूजा में महज 22 दिन बच गए हैं, ऐसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। बीते दिन गुरुवार को उन्होंने नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान तेजस्वी ने कई अहम पहलू पर चर्चा की।
तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है, आज नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षात्मक बैठक में छठ पूजा के महापर्व के दौरान शहरों में साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। पटना मेट्रो के निर्माण संबंधित भी अद्यतन जानकारी प्राप्त की। ललित भवन से लेकर डाक बंगला तक के मार्ग को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस सड़क पर लैंडस्केपिंग, लाइटेस्ट साइनेज बोर्ड, सड़क किनारे सुंदर पौधे, हरियाली, डस्टबिन, पार्किंग, प्रॉपर एटिंग आउटलेट्स के साथ साथ चौराहों को ब्यूटिफिकेशन भी होगा। बिहार में पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने 7 अक्टूबर शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट जारी कर दिए हैं। इसी के साथ बिहार की राजधानी पटना में भी पेट्रोल डीजल के शुक्रवार के ताजा भाव जारी हो गए हैं। बता दें कि पटना में आज पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन मामूली कटौती की गई है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में तेल कंपनियों ने शुक्रवार यानी कि आज 7 अक्टूबर को वाहन ईंधन के दाम घटा दिए हैं। यानी आज जिले में पेट्रोल डीजल खरीदना कल के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो गया है। बता दें कि आज तेल कंपनियों ने पटना में पेट्रोल पर 30 पैसे कम किए हैं, जबकि डीजल पर 28 पैसे की कटौती की गई है, जिसके बाद पटना में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए हो गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 94.04 रुपए में खरीदा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद बोले संजू सैमसन। शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मात्र 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में संजू सैमसन ने कहा, पिच में कुछ समय बिताना हमेशा अच्छा होता है और हम हमेशा अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए खेलते हैं। मैं 2 शॉट जोड़ने से चूक गया, अगली बार मैं और अधिक मेहनत करूंगा, लेकिन मैं अपने योगदान से संतुष्ट हूं। उनके गेंदबाज अच्छी तरह से खेल रहे थे। तबरेज शमसी आज थोड़े महंगे थे, इसलिए हमें लगा कि हमें उन्हें निशाना बना सकते हैं। हमें पता था कि वह आखिरी ओवर फेंकेगा। मुझे पता था कि अगर मुझे आखिरी ओवर में 24 रन बनाने हैं तो मैं 4 छक्के लगा सकता हूं। मैं खेल को गहराई तक ले जा रहा था, योजना केवल यही थी और बल्लेबाजों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, मुतुल रंगीला, नुनू कुमार, पवन सिंह, राबिया बासरी, कुमार कौशल सिंह, बाबूलाल मरांडी, राजकुमार प्रसाद, कुलदीप कुमार, सरिता पासवान, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार दक्षिण अफ्रीका से भारत को मिले पहले वनडे मैच में हार का कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।